इस पे भी कंप्लेंट करेंगे इस उम्मीद के साथ कि ईडी और सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करेगी, फिर भी कंप्लेंट करेंगे। फिर भी कंप्लेंट करेंगे। देखिए 2014 के बाद इस देश में मोदी वॉशिंग पाउडर आया है, तो उस वॉशिंग पाउडर का एक ही मकसद है, जो भ्रष्टाचारी मोदी जी से जुड़ा है उसको साफ सुथरा करके राजा हरिश्चंद बनाना, और जो किसी विपक्ष की पार्टी में है वो अगर अपने घर से सुबह निकलता है और रास्ते में कहाँ नाश्ता कर रहा है, कहाँ खाना खा रहा है, कहाँ मूवी देखा, उसकी सब की जांच हो जाएगी, कितना पेट्रोल इस्तेमाल किया, कितना डीजल इस्तेमाल किया, तो उसकी सब की जांच हो जाएगी, वो जेल चला जाएगा। इसके भुक्तभोगी अकेले हम नहीं हैं, पूरे देश में सीबीआई ईडी का डंडा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ चल रहा है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं। मैंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले में शिकायत दी है ईडी को, लिखित शिकायत दी है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे भी शिकायत देंगे। देखिए ऐसा है, अभी न्यायालय में एक मामला प्रकरण चल रहा है, ये बड़ा मुद्दा है, पॉलिटिकल, ये राजनीतिक मुद्दा है। ये मुद्दा है कि गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया प्रधानमंत्री जी को, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया, गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं की जेब काटी जा रही है, उन्हीं गुजरातियों की जेब काटी जा रही है, और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, और उनका सबसे करीबी दोस्त जेब काट रहा है, और समझौता तब हुआ जब वो मुख्यमंत्री थे। सवाल इस बात का है, ईडी सीबीआई तो कुछ नहीं करेगी, ये तो तय है कि वो तो वही करेगी जो मोदी जी कहेंगे, और मोदी जी अपने दोस्त के खिलाफ कहेंगे क्यों, इतना गहरा रिश्ता है, जहाज में घूमते हैं दोनों लोग साथ साथ, क्यों बोलेंगे वो। तो इसलिए हाँ, हमारा नाम कहीं फर्जी डालना होगा डाल देंगे, आपका नाम डालना होगा डाल देंगे, किसी और को पकड़ना होगा पकड़ के डाल देंगे, फर्जी खबरें चलवाएंगे किसी के खिलाफ कि 17 फोन तोड़ दिया, 22 फोन तोड़ दिया, 52 करोड़ की संपत्ति मिल गई, कुछ भी बोलते जाएंगे किसी के भी खिलाफ कुछ भी। लेकिन जब मोदी के दोस्त का मामला आएगा तो आप देख लीजिएगा, ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सारे लोग धृतराष्ट्र बन जाएंगे।